हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस के युवाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो युवा एकता रैली में भाजपा के केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, प्रदेश प्रभारी अमित यादव, विधायक विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुनीश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राणा, सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अमरिंदर सिंह को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन के दौरान पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय हनीमून दौर से गुजर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनसे एक साल के बाद हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धारा 118 से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, जिसका प्रदेश कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध किया है और आगे भी करती रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम धूमल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दो बार हिमाचल के सीएम रहते धूमल ने गलती की थी, क्योंकि धूमल ने हिमाचल के लोगों से ज्यादा तरजीह पंजाब के लोगों को दी थी, जिसका परिणाम आज सामने है कि धूमल खुद बेकार हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने करी, जब मुख्यमंत्री दो बारी उन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हमीरपुर की जनता ने दो बारी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का जो है सुनहरा अवसर प्रदान किया, मगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश से ज्यादा तहरीज, हिमाचल प्रदेश से ज्यादा तहरीज बाहर के लोगों को, जलंधर के लोगों को, पंजाब के लोगों को दी, जिसकी वजह से आज उनका राजनीतिक अंजाम आज उनके सामने है। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश के वासियों के साथ, हमारी हिमाचली आइडेंटिटी के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, तो कांग्रेस पार्टी जो है इस पे पूर्ण तरीके से इसका विरोध आने वाले समय में करेगी। बाकी मैं कोई ज्यादा आप लोगों के बीच ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं। अभी वैसे भी जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है, कि नई सरकार है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एक हनीमून पीरियड। अभी जयराम सरकार अपना हनीमून बना रही है, एक साल के बाद सही रूप से पता चलेगा कि उनकी कथनी में और उनकी करनी में कितना फर्क है। सांसद अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि अनुराग ठाकुर एक सेलिब्रिटी हैं और अक्सर उनके चित्र सेलिब्रिटियों के साथ ही पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग जल्द ही पक्के तौर पर फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि जल्द ही अनुराग की राजनीति से छुट्टी हो जाएगी। साल आपके यहां से मुख्यमंत्री रहे, फिर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया प्रदेश में और आपके हमीरपुर में। अगर तीसरी बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल बन जाते तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आना था। देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपने परिवर्तन देखा। नरेंद्र मोदी जी बने, कोई परिवर्तन देखा। और 10 साल में अगर तीसरी बार धूमल जी बनते तो कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि धूमल जी के मन में खोट है। तीन बार उनके बेटे को जिताया, आपने देश की लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, कभी नहीं देखा कि किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते किसी पुलिस से लाठीचार्ज हुआ हो, कभी नहीं देखा कहीं पानी की बुछारे खाई हो, कभी नहीं देखा कि आपका संसद कहीं पर भूख हड़ताल पर बैठा किसानों की लड़ाई लड़ रहा हो, जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, ये देखा कि सलमान खान के साथ फोटो आ रही, एक हेलो मैगजीन है, वो बड़ा महंगा मैगजीन है, बड़ा महंगा है, और बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें आती हैं, बड़े लोगों की उसमें। इंडिया टुडे जैसा मैगजीन नहीं है, हेलो मैगजीन है, बड़े उद्योगपतियों की और उनकी औरतों की और उनके बच्चों की तस्वीरें आती हैं, पर दिखाया जाता है कि वो जूते 50,000 के पहनता है, तो 5 लाख की घड़ी पहनता है, उसकी घरवाली इतनी महंगी साड़ी पहनती है। ये तमाम चीजों के बारे में वो बड़े लोग खरीदते हैं वो मैगजीन, उसमें आपके हमीरपुर के साधारण व्यक्ति जो धूमल जी के बेटे हैं उसकी फोटो आई है।
अमरिंदर सिंह राजा ने तंज कसते हुए कहा कि जिसके मन में धोखा हो, छल कपट हो, उसे भगवान आखिरी वाली सीढ़ी से गिराता है। उन्होंने कहा कि सारी उम्र वीरभद्र सिंह पर बयानबाजी से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि धूमल ने वीरभद्र सिंह से दुश्मनी निकाली थी, लेकिन आज खुद घर में बैठकर सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि धूमल ने हिमाचल की बेटी का अपमान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर रैली में निशाने साधे और अमित शाह की तुलना मोगैम्बो से की। वहीं पीएम मोदी को मित्रों का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को मोगैम्बो के पास पावर है और पुलिस है, सीबीआई पैसा है, धन दौलत है और कब किसको कहां ठोकना है। चुनावों में मित्रों और मोगैम्बो की बोलती 2019 के चुनावों में बंद हो जाएगी, क्योंकि देश का एक भी व्यक्ति देश में खुश नहीं है। चालू आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। भाई और बहनों, मित्रों, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान को धूल चुटा दी। अरे दिन में तो किसी कोई अटैक नहीं करता, रात को कितने फौजी मारा है तू कहता। रात को ही नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एक अटैक कर दिया जो दुश्मन के ठिकाने थे नष्ट कर दिए। और ये मीडिया वाले तमाम साथी, इन्होंने भी दिखा दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। दिन में तो किसी ने देखा नहीं, रात को कौन से फौजी और ठिकाने मार दिए ये किसी को पता नहीं। तो इस मित्रों की बात पे विश्वास मत करना, ये मित्रों ये बहुत खतरनाक और भयंकर आदमी। और मोगैम्बो, अमित शाह का नाम मैंने रखा मोगैम्बो। मित्रों और मोगैम्बो रात को राय करते हैं कि किसको ठोकना है। मित्रों और मोगैम्बो का टाइम आता जा रहा है, मेरी बात याद रखना। चिंता मत करो कि हिमाचल हार गए, त्रिपुरा हार गए, क्योंकि मित्रों और मोगैम्बो के पास पुलिस है, सीबीआई है, पैसा है, धन दौलत है। एक जगह पर चुनाव होते हैं तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जब पूरे देश में चुनाव होंगे और मित्रों और मोगैम्बो की दुकान 2019 में मुकम्मल बंद हो जाएगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति मित्रों और मोगैम्बो से खुश नहीं है। ये मोगैम्बो के बेटे ने, इनकी तो इंक्वायरी कर दी, ये मोगैम्बो के बेटे ने 80,000 की कंपनी को, 50,000 की कंपनी को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पत्रकार साथी उठ के सवाल कर सकते हैं, 50,000 की कंपनी को 1.5 साल में 80 करोड़ की कंपनी बना दिया। क्या मोगैम्बो के बेटे को पता पकड़ा? क्या इंक्वायरी की? नहीं की।